मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय अटवाल जी को के सत्कार योग सरदार चरणजीत सिंह अटवाल अध्यक्ष पंजाब विधानसभा अपने विचार रख के संगठन हाजरी भरण के गुरु दरबार मेरे बहुत ही सत्कार योग मैं तो अपना बहुत ही सत्कार योग साथी वीर कहूंगा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिनके साथ मुझे इस बात का भी गौरव है कि काम करने का मौका मिला है। मैंने उस बार भी उस वक्त भी इनको मेहनती के इंसान के तौर पर देखा है किस तरीके से ये अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं किस तरीके से ये इलाके अपने से प्यार करते हैं और जिस तरीके से ये उस वक्त अपने इलाके के लाके से प्यार करते हैं और मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि अब उसी तरीके से अपने इस प्रांत से प्यार करते हैं और सिख धर्म के जो अन्यायी या मानने वाले हैं उनका सत्कार और उनसे प्यार भी करते हैं। तो मैं इन सबका अपने सत्कारी और भाई शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ईश्वर दास मेरे साथी बहुत लंबे समय से ये भी स्पीकर थे हैं और मैं भी पंजाब का स्पीकर रहा हूँ हमारा आपस में बहुत काफी समय से प्यार है। रूहानी साहब जी और केश सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट जो है मुझे इस बात का भी फख्र है कि राकेश सिंह जी के साथ भी मुझे बतौर देश का डिप्टी स्पीकर होने के नाते से काम करने का मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे इंसान जो अपने इलाके से अपने इलाके की समस्याओं से जो उनका ध्यान रखते हैं आप लोगों ने ऐसे आप लोगों के ऐसे नुमाइंदे हैं राकेश सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट उमा शंकर गुप्ता जी स्टेट होम मिनिस्टर अजय वैष्णो जी मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री और मैं ये कहूँ कि मैं बबू जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करने का मौका दिया जहाँ इन्होंने आप सबके दर्शन करने का मौका दिया इनका मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने सत्कारयोग्य बहनों भाइयों और बुजुर्गों बच्चों से वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैनू इस गल की खुशी है कि मैं आज आप सब में हाजिर हूँ और हाजिर भी ऐसे वक्त पर जबकि आप उस महान इंसान महाबली महायोधे महासूर में महान बलकारी का आज आप दिन मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जिसके पहले जो देश का इतिहास था जो भी दर्रा खैबर से आता था चाहे वो सिकंदर था चाहे मोहम्मद गौरी ने 17 हमले किए चाहे महमूद गजनवी था चाहे अहमदाबादी था चाहे बाबर था जो भी उधर से हमलावर आता था सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचता और यहाँ का धन दौलत और बहु बेटियों को ले जाकर काबुल कंधार और गजनवी के बाजारों में टके टके से नीलाम कर देता था और ऐसे हालात हुई देश की कि उसने देश के लोगों ने मुकाबला ही करना
छोड़ दिया था। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इस संसार में जन्म लिया, उनका जो मिशन था, सबसे पहले उन्होंने उस वक्त कहा, अपने मिशन का उस वक्त ऐलान किया जिस वक्त गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शीश चांदनी चौक, जब उनके धड़ को शीश से लैदा किया गया, जब आनंदपुर भाई जैता जी लेकर पहुंचे और उन्होंने पूछा कि जैता जी, बाद में जिनका नाम भाई साहब भाई जीवन सिंह जी कहा गया, उन्होंने पूछा, भाई जैता मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त साहिबा गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शीश धड़ से लैदा हुआ, उस वक्त लोगों की मानसिक अवस्था क्या थी, लोग क्या सोचते थे उस वक्त? तो उसने उस वक्त गल में बला डालकर जब फरियाद जब करने उस वक्त का सीन बयान किया, आंखों में आंसू आए और कहने लगे, सच्चे पातशाह, उस वक्त गुरु जब साहिबा का तेग गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शीश धड़ से लैदा हुआ, गुरु नानक के सिख बहुत थे, गुरु नानक नाम लेवा बहुत थे, लेकिन जो सरकार की नियत थी कि ये जो शीश और धड़ है ये कई दिन यहां रुलता रहे पड़ा रहे ताकि लोगों को आने जाने वालों को इबरत हासिल हो और मुगल हुकूमत के खिलाफ बात ना करे, इसलिए उनका ख्याल था कि शीश और धड़ यहां ही पड़ा रहे, कोई आगे निकलने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि मैं गुरु नानक का नाम लेवा हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हूं। तो उस वक्त सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचपन में कहा कि मैं ऐसा पंथ बनाऊंगा, मैं अपने सिख को ऐसा रूप दूंगा कि जिसकी शक्ल दुनिया में नहीं मिल सकेगी किसी से, मैं ऐसा सिख बनाऊंगा जो बंद बंद कटवा कर भी कहेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ता हुआ कहेगा, बंद बंद कटा के तेरा किया मीठा लागे, अर नाम पदार्थ नानक मांगे, मैं ऐसा सिख पैदा करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने उस वक्त कही थी, कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है गीता में, कहते हैं कि है अर्जुन, अर्जुन को मुखातिब होते हुए कहते हैं, अर्जुन के जिस वक्त सच्चाई पर ला कर उठ जाए, जिस वक्त सच के चंद्रमा को झूठ और पखंड के जो बदल हैं वो अपनी लपेट में ले लें, तो मैं इंसानी रूप में खुद आप जन्म लेता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी किया सी कि हम ये काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो, यही काज तरा हम जन्म, समझ ले साधु सब मनम, संत भारण दुष्ट सबन को मूल पारण, ये उन्हों का मिशन सी। और इस मिशन उन्होंने जन्म उस वेले होया जिस वेले कोई ये ना समझ लियो कि जो मैं बात कह रहा हूं मेरी जबान से कई बार पंजाबी भी निकल जाती है, क्योंकि मेरे बबू जी कहने लगे कि हिंदी बोलने सुनने समझने वाले ज्यादा हैं, इसलिए आप हिंदी में बात करना। तो कोई ये ना समझ ले कि महमूद गजनवी या अहमद शाह अब्दाली या नादर शाह ने जिस वक्त हिंदुस्तान में हमला किया उस वक्त, और गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त के हालात में कुछ फर्क था, हालात वही थे, उस वक्त भी औरंगजेब ने वही हुक्म किया था 1690 को, वही कहा था कि कोई भी हिंदू जो है वो घोड़े अरबी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू अपने कुछ दिनों के बाद के लिए ज्यादा इनाज नहीं रख सकता, सफेद पगड़ी नहीं पहन सकता, और उसके हर उस हिंदू पर हर तीर्थ पर जजिया लगाया गया था।
इसलिए ऐसे हालात में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म हुआ और उसने जबर जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सारा ही सर्वंश पहले अपना पिता कुर्बान किया। छोटे बच्चे, दो बच्चे बड़े जो थे, चमकौर की धरती पर लेकर चौक की चमकौर की धरती पर दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं देखा हमने, ना कभी पढ़ा है ना सुना है, जबकि एक बाप ने अपने बच्चों को खुद शहीद होने के लिए तोड़ा हो। अगर ऐसा हुआ है तो चमकौर की धरती पर बाबा जीत सिंह और जिझार सिंह जी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस जंगे मैदान में तोड़ा है और उनको शहीद होते हुए अपनी आंखों में आंखों के सामने देखा। वहां लिखा है, बस मुसलमान कवि ने लिखा है, बस एक तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए, चमकौर साहब की धरती के बारे उसने लिखा। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की यह महान शक्ति सी कि अपने दो बच्चे, छोटे बच्चों नु 7 साल 6 साल जानु उन्होंने नीयां विच चिणिया जाण तो बाद उन्होंने जवा होंदया सुनिया ए देश और माता अपनी कुर्बान होंदी देखी, सुनी माता दी मौत नु सुनिया, इसलिए जो उन्होंने अपना सारा सर्वंश कुर्बान किया उस धन दौलत दे अंबार खड़े करन लई नहीं, दिल्ली दे तख्त ए तौस नु हासिल करन लई नहीं, बल्कि मजलूमों को जो गुरु गोबिंद सिंह बेकसा का यार गुरु गोबिंद सिंह इन गरीब लोगों ने लिए, इन गरीब लोगों के लिए, निताड़े लोगों के लिए, जिन पर जुल्म हो रहा था उन लोगों के लिए उन्होंने सर्वंश कुर्बान कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो खालसा पंथ की सृजना की, मैं सिर्फ एक बात में ही उनकी बात खत्म कर देता हूं, वो ये कि नेपोलियन को हम दुनिया का महान योद्धा मानते हैं, जिसने वाटरलू के मैदान में हार मान ली थी, सेंट लीना के किले में कैद हो गया, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना सर्वंश कुर्बान कर देने तो बाद भी हथियार नहीं सुते, जबर जुल्म के खिलाफ और लोगों के हकों की खातर गुरु गोबिंद सिंह फिर भी खतराने की टाप से चिटान वांग मजलूम दे लई, उहदे हकां दे लई, हिंदुस्तान दे लोकां दी आजादी दे लई, उहनां विच अणख ते गैरत पैदा करन लई खतराने की ताप दे उते फिर भी उह तलवार लैके खड़े आ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि खालसा पंथ की सिरजना की, खालसा पंथ की सिरजना से पहले जो भी आता था हमलावर दर्रा खैबर की तरफ से आता था और हमारा धन दौलत और बहु बेटियों को लेकर चला जाता था और काबुल कंधार के बाजारों में नीलाम करते थे, लेकिन खालसा जन्म के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जिस खालसे को जन्म दिया, उस खालसा के जन्म का बाद इसी पंजाब की धरती पर वहां बड़ा गलूघारा हुआ, 35,000 एक दिन में सिख मारे गए, छोटा गला घारू हुआ जहां वो 15 से लेकर 20,000 तक लोग मारे गए, किसी को आर के साथ दुफाड़ किया गया, किसी का मांस जमूरों से नोचा गया और किसी मां के बेटे की आंदरे निकाल कर उसके मां के हार गलों का हार बनाया गया, लेकिन नतीजा यह निकला कि वो मुगल हुकूमत जिसका बानी कभी बाबर था उसी हुकूमत का पर शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सिख कौम की सल्तनत की बुनियाद रखी, बंदा बहादुर ने सिख कौम की बुनियाद रखी। और इतिहास गवाह है के खालसे के जन्म के बाद उधर से दर्रा खैबर से कोई हमलावर नहीं हुआ देश पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही लोग जो दर्रा खैबर की तरफ से आते थे हमारा धन दौलत ले जाते थे,
हमारी बहू बेटियों को ले जाते थे, उन्हीं लोगों को मैंने अपनी हवेलियां बनाते हुए अपनी नाकों से देखा है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जो देन है वो हम देशवासी दे नहीं सकते। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही बेनती करके जाना चाहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो देश भक्ति, गुरु गोविंद सिंह जी का जो देश प्यार, गुरु गोविंद सिंह जी को जो कुर्बानी, जो गरीब लोगों की, उनकी गरीब लोगों के साथ जो प्यार सत्कार था, जो उनके असूल है, उन्हीं असूलों पर हमें सबको चलना चाहिए। और इन्हीं असूलों पर चलते हुए मैं समझता हूं कि हमारा देश दुनिया का महान देश बन सकता है। और मैं आपको आज के दिन की जहां मुबारकबाद देता हूं वहां अपने भाई शिवराज जी की, चौहान साहब जी का, सीएम साहब का और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने आकर हमारे सिख भाई भाईचारे पर एक बहुत बड़ा आसान किया है। मैं आपसे भी एक बात कह के जाना चाहता हूं इस दिन के लक्ष्य से, वो ये है कि बड़े लंबे समय से सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक खास बात है कि 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान पंजाब के इतिहास में के द्वारा किसी का राज आया हो। कभी ऐसा होता था कभी एक का राज, कभी दूसरी पार्टी का राज, एक का, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि द्वारा उसी की हुकूमत बढ़े। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पहली बार सरकार बनी है। जहां की सरकार भी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके लिए इन भाई साहब को तो मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश की और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में भारतीय और श्रोमणी अकाली दल का एक अटूट रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, बहुत से लोगों ने कोशिश की है रिश्ते को तोड़ने की लेकिन लोगों ने नहीं तोड़ा, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने नहीं तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा। इसलिए मैं आपको बेनती करके जाना चाहता हूं कि आप भी अपने मन में सोचे कि आपके लिए कौन अच्छा करता है, कौन अच्छा नहीं करता। मेरी नजरों में जितना शिवराज जी कम करते हैं शायद और कोई काम ना कर सके। इसलिए मैं आपसे बेनती करके जाऊंगा कि जो हिंदू सिख का रिश्ता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किसी एक कौम के लिए नहीं, मुसलमान हिंदू सिख सबके लिए उन्होंने कुर्बानी की है, आस करता हूं कि आप भी इस रिश्ते को कायम रखोगे। इतना कहता हुआ आपको आज के दिन की मुबारकबाद देता हुआ और अपने भाई साहब को और इनके साथ जो साथी आए हैं, मेरे बहुत ही सत्कारी और रूहानी साहब जी, स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहब, इनको जिया कहते हुए आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बबू जी का खासकर जिन्होंने आज आपके दर्शन कराए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदरणीय अटवाल जी बहुत ही सुंदर शब्दों में बच्चों की शहादत का जिक्र कर रहे थे। आपको यह सुनकर फख्र होगा कि गुरु महाराज के बलिदानी विचारधारा और उनके बलिदानी जीवन का अजय मुख्यमंत्री जी टंक साहब का स्वागत करेंगे और जबलपुर की सिख संगत से, संगत की ओर से मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहेंगे। आप जी को अभी अभी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, पूरी जबलपुर की संगत की तरफ से लख लख बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज के बच्चों की शहादत का जैसा जिक्र मुसलमान शायरों ने किया है, मोहम्मद इकबाल ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, बेटों के कत्ल होने की पहुंची सुही खबर, शुक्रे अकाल पुरख क्या रखे जमी पे सर, और कहा मुझ पर से आज तेरी अमानत अदा हुई, बेटों की जान धर्म की खातिर फिदा हुई।